अस्सलामुअलैकुम देसी खान साहब, मैं आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सुहांसले की मूलियाँ। इसके लिए मैंने वो मूलियाँ ली हैं जो अंदर से पकी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली। ठीक है जी, तो ये मूलियाँ मैंने ली हैं एक किलो। एक किलो मूलियों को मैंने लिया है 80 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो अब इन्हें हमने छील लेना है। छीलने के लिए हम यहाँ ऐसे इस तरह से भी छील सकते हैं या दूसरा इसके छिलके भी हम इसके इजीली उतार सकते हैं। इसे फटाफट से हमने छील लेना है। चलें जी, इसे हमने छील लिया। इसका ये हिस्सा भी हम अलग कर लेंगे। ठीक है, उसे हम एक साइड पर रख लेंगे। सही हो गया। अब इन सबको हमने वन बाय वन करते हुए अच्छे से छील लेना है। जब भी आप मूलियाँ खरीदें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि मूलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों। ठीक है, जितनी सॉफ्ट होंगी उतना अच्छा आपका अचार डलेगा। आप इसका अचार के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हो, खास तौर पे नाश्ते के टाइम आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि अगर ज़्यादा सॉफ्ट होंगी तो इसकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुलायम होगी। ठीक है, अगर इसकी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुरदरापन होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये अच्छी नहीं है। ठीक है, खरीदते वक्त आप इसका ज़रूर ख्याल रखना। अब इन सबको मैं अच्छे से छील लो। छीलने के बाद हमने क्या करना है, छीलने के बाद हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि ये रेत में बेसिकली पैदा होती हैं तो इसके साथ रेत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इसे अच्छे से साफ कर लेना है। चलिए आप इसे छील लो। छीलने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर दिया है। ठीक है, इन सबको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इन्हें वॉश कर लिया है। वॉश आपने इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इन सबको वॉश करने के बाद हमने इसके पीसेस कर लेने हैं, जिस पीस में आप इसे रखना चाहते हैं, जिस साइज़ में। इस तरह से हमने इनके पीस कर लेने हैं। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आएगी। यहाँ ये इसका पीस कुछ खराब है तो इसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिक्स अचार की रेसिपी भी हमारे चैनल में मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको 2 किस्म की का अचार बनाना सिखाऊँगी, सुहांसले की मूली का, एक फ्राइड और एक दूसरी तरह से। ठीक है जी, इस तरह से हम सबको कर लिया है कट, जिस साइज में आपने कट करना है। अगर इसके मज़ीद 2 पीसेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लंबे आपने नहीं रखने तो। ठीक है, इसका ये भी साफ नहीं हुआ, ऐसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, चलें ये अलग हो गया। अब यहाँ दरमियान में से हमने इसके ये पीसेस करने हैं। पीसेस करने के बाद हमने इस तरह से कट करना है। ठीक है, क्योंकि लंबाई में ही ये अच्छी लगती है और लंबाई में ही हमने इसे कट करना है, अल्लाह ताला के बबर के नाम के साथ। ठीक है जी, जिस साइज में आप रखना चाहें, जितनी इसकी मोटाई रखना चाहें आप इसकी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ब्रीक ना हो। ज़्यादा ब्रीक होने का नुकसान ही होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं अचार में। ठीक है, इसलिए अब इन सबको हमने फटाफट से कट कर लेना है। ठीक है, जितने साइज ये है आप इसी साइज में से कट कर लो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कांड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है जी, इन सबको कट कर लो। इन सबको कट करने के बाद
नेक्स्ट जो उसका प्रोसेस है फिर वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से मैंने मज़ीद कट कर लेनी है। इन सबको कट करने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ जी। तो यहाँ मैंने इन्हें बहुत प्यारा माशाल्लाह से कट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है, अभी भी इसमें एक ये रह गया कट करने वाला, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, वो जब ये बनेंगी पकेंगी तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी। ठीक है, अब इसे हम कुछ मसाले लगा लेते हैं। मसाला लगा के सबसे पहले हमें क्या करेंगे, मसाला लगा के हम इसे वन नाइट के लिए रख देंगे या 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी हो वो निकल सके। ठीक है जी, अल्लाह ताला के नाम के साथ हम मसाले लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे लगा रहे हैं हल्दी, हल्दी का 1.5 चम्मच मैंने शामिल किया है। सही हो गया जी। तो अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच, नमक शामिल करेंगे इसमें, एक खाने का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कलौंजी, 1/2 टेबल स्पून कलौंजी का, मेथी दाना है 1/2 टेबल स्पून ही है ये हमारे पास, और इसके अलावा खुश्क धनिया। ठीक है, इसमें मज़ीद हमने मसाले, जब इसे हम ऑयल में लगाएंगे तो उस वक्त मसाले इसमें शामिल होंगे, ये सिर्फ अभी हम लगा रहे हैं, इसे हमने कर लेना है मिक्स। आप इसे हैंड की मदद से, किसी चम्मच की मदद से भी मिक्स कर लें, लेकिन मुझे या तेज़ी कर लग रहा है मिक्स करना। जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप इसे मिक्स कर सकते हो। ठीक है, देखिए माशाल्लाह अब हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम किसी छननी में डाल दें या किसी भी चीज़ में जिसमें से इसके अंदर जो पानी है वो निकल सके। ठीक है, इसे ओवर नाइट आप रख दें या इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद हम इसका अचार का मसाला जो है उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अचार हमारा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। आप मुकम्मल वीडियो देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब इसे मैं रख रही हूँ तकरीबन 10 घंटे के लिए। यहाँ मैंने इसे छाबे में डाल लिया है। ठीक है, नीचे यही है, तो आप इसके अंदर जितना पानी होगा वो निकल जाएगा। इसे मैं रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। आप इसे ओवर नाइट भी रख लीजिए, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से इसे रखे हुए मुझे 5 से 7 घंटे हो गए और ये पानी इसमें से निकलता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ जी। तो अब इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं सरसों का। ठीक है, उससे पहले हमने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद उसे हमने कुछ देर रख दिया। जब वो ठंडा हो गया तो अब इसे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे हमने मिक्स कर लेना है किसी भी मर्तबान में या किसी डिब्बे में आप फिर इसे रख सकते हो। 4 से 5 दिन में ये आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे मज़ेदार सा खाइए। हाँ जी, अगर आपकी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा शेयर। इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ मैं करती रहूँगी शेयर इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो इसे अब हमने कर लेना है मिक्स। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। इसे 4 से 5 दिन के लिए इसे हमने रख देना है। ठीक है, कवर करके, तो 4-5 दिन में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा।
चलें जी, आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर ईमान अल्लाह।